मध्य प्रदेश के हरदा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीती रात पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते हुए गुप्तेश्वर मंदिर के पास से 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शहर में बड़ी संख्या में गंभीर घटना जैसे डकैती को अंजाम देने वाली सूचना पर सिविल लाइन थाना हरदा निरीक्षक राजेश साहू, पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र सिंह वर्धमान के निर्देशन में 2 टीम गठित की गई है। इसमें टीम में TI राजेश साहू, प्रदीप मालवीय और वीरेन्द्र राजपूत की विशेष भूमिका रही। पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता कर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि 4 बदमाश हरदा के हैं, वहीं एक अन्य बदमाश राम मोरे निवासी अहमदनगर महाराष्ट्र का शूटर है। पुलिस ने इनके पास से वारदात को अंजाम देने के लिए 2 नग देसी पिस्टल, हाथ भट्टी की बनी और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए। साथ ही आरोपी अमन से धारदार चूरा, लोहे की 2 रॉड, वहीं वारदात में उपयोग की जाने वाली सेंट्रो कार सहित आरोपियों से मोबाइल सिम कार्ड जब्त किए। कार्रवाई में टीम में साइबर सेल हरदा के सूबेदार उमेश ठाकुर, वहीं सिविल थाना पुलिस के ASI संजय ठाकुर, ASI सुनील गुप्ता, ब्रजेश साहू, लोकेंद्र यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हरदा पेट्रोल पंप पर लूटने की जो है योजना बनाई थी, कल रात को 10 बजे करीब पकड़ा है हमारी टीम ने। खासतौर से उसमें प्रदीप मालवीय और वीरेंद्र सिंह राजपूत हैं, 2 पुलिस के कांस्टेबल हैं। इन लोगों ने एक कार को रोका था जो महाराष्ट्र पासिंग की गाड़ी है, उसमें एक व्यक्ति और महाराष्ट्र का था, उसमें 4 लोग यहाँ के लोकल थे। उनकी गाड़ी को चेक किया तो उसमें 2 अलग अलग लोगों पर 2 पिस्टल और 1 बका और 2 रॉड मिली थी, और सबसे अलग अलग हमने जब्त किया है। और ये लोग जब पूछताछ की तो इन लोगों ने जो है पेट्रोल पंप लूट करना जो है घटना करने से पहले हमने गिरफ्तार किया तो उसको कबूल किया है। और इस प्रकार ये 5ों लोग के खिलाफ 399, 402, 2527 आर्म्स की कार्रवाई की गई है। इसमें खास तौर से जो एक आरोपी है जो राम मोरे है, राम शिवाजी मोरे, 43 साल की उम्र है उसका, 2002 में मर्डर में यरवदा जेल पूना में बंद था वो, और उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। उसके चाल चलन ठीक होने से उसको सज़ा उसकी कम कर दी गई, और इस प्रकार 2017 में 15 साल की सज़ा काटने के बाद 2017 में वो जेल से रिहा हुआ। और यहाँ तक वो कैसे पहुँचा, उसका एक साथी है जो दूसरे एक मर्डर केस में बंद था, उसका नाम सागर है। सागर की बुआ का लड़का अमन है, वो यहाँ रहता है। तो सागर भी छूटा था उस जेल से, और श्रीराम मोरे भी छूटा था। इन ये दोनों दोस्त बनने की वजह से सागर उसको राम मोरे को यहाँ बुलाया, और करीब 3-4 माह इन्होंने रेकी की, और फिर वो चला गया वापस। इस प्रकार उन्होंने बाकी जो दोस्त हैं उसके, उन्होंने राम मोरे को बुलाया और पेट्रोल पंप लूटने की घटना बनाई। सागर कहाँ का रहने वाला? सागर महाराष्ट्र का रहने वाला, बम्बई के पास। तो बाकी क्या आरोपी? इसमें से 4 लोग लोकल हैं, 4ों लोग अतरसमाई गांव हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, करीब उनकी 20 से 25 साल की उम्र है।